हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ से हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको उसके साथ साथ जीके जीएस के फैक्ट्स को भी रिवाइज करते चलेंगे। दरअसल होता क्या है कि हम क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उससे जुड़े हुए फैक्ट को अगर देख लेते हैं जीके जीएस के रूप में तो हमारा अगला क्वेश्चन की तैयारी वो खुद ब खुद हो जाता है। इट मीन्स उससे जुड़े सारे फैक्ट हम लोग देखेंगे और ताकि ये चैप्टर हमारा ना छूटे। आप इसे एक नोट्स की तरह भी देख सकते हो। आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप इन सब का नोट्स बनाइए और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया कीजिए ताकि आपके पास भी एक नोट्स हो जाए। ये चैप्टर हमने अपने पेड कोर्स में पढ़ा दिया है, तो चलिए देखते हैं। द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी रचना है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखा है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और ये ऑप्शन है तीनों, तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा, काफी लोगों के सही भी हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिटन द बुक नेम्ड गीता रहस्य, इसके बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखना है, दोनों मैं इसमें आपको याद करवा दूंगा। पहला क्या है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे एंड गोपाल कृष्ण गोखले। गीता रहस्य नामक बुक जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था और ये उस समय लिखा था इन्होंने जब ये जेल में थे। और द एसेज ऑन गीता, द एसेज ऑन गीता ये लिखा था औरोबिंदो घोष ने। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। बट पहले मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती थी जब मैं ये ऑलमोस्ट 12th की बात है, तो यहाँ पे आपको दोनों में अलग अलग रखना है। विनोबा भावे कौन थे? ये भूदान आंदोलन से संबंधित है। विनोबा भावे महात्मा गांधी को तो आप जानते हैं, इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और इनकी किताब का नाम क्या है? हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इन्होंने जो जो न्यूज पेपर पत्रिकाएं छापी थी उनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और 1905 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत फेमस किताब है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसके ऑप्शन है आरसी दत्त, महात्मा गांधी, हेनरी कॉटन एंड दादा भाई नौरोजी। बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके जो राइटर हैं इस बुक के वो है दादा भाई नौरोजी और इसमें हेल्प किया था आरसी दत्ता ने। आरसी दत्त ने भी हेल्प किया था लेकिन मेनली हम लोग जानते हैं ड्रेन थ्योरी के बारे में और ये ड्रेन थ्योरी को किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। तो आपके जीएस भी इसके साथ साथ रिविजन हो रहे हैं। दादा भाई नौरोजी कौन है? ये सबसे पहले ऐसे भारतीय थे जो उस समय में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये एलिजिबल थे और इन्होंने वहां पे सदस्यता ली हुई थी और इनके प्रयासों से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है वो होने वाला था इंग्लैंड में बट वो नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसने लिखा है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ऑप्शन है आपके पास, आप देखिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, राफिक जकारिया, लॉ लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक नेपियर। किसने लिखा है इसे? इसको लिखा है राफिक जकारिया। बहुत लोग के इसमें सही भी जा रहे थे बट इन पे ध्यान ही नहीं जा रहा था इस राइटर पे। ये राफिक जकारिया ने लिखा था द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखा है इन्होंने, कौन सी किताब लिखी, हम लोग आगे देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम, इंडिया विंस फ्रीडम, ऊपर ही हमने देखा था। द बुक इंटाइटल्ड इंडियन स्ट्रगल ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया ये? द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये कौन सा? इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर? इंडियन स्ट्रगल इन्होंने लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने।
ठीक है, अगला है हु इज ऑथर ऑफ द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये बहुत फेमस बुक है और ये किसने लिखा है? पहले ऑप्शन देख लीजिए, ज्योतिबा राव फुले, भीमराव अम्बेडकर, काशीराम एंड राम मनोहर राय। किसने लिखा है ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? ये लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है गिल्टी मेन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और दो ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, इन सब में से कौन राइट आंसर होगा? और अगर ये चाहते हैं कि हिस्ट्री के भी प्लेलिस्ट आपको विजिट करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट आपको हिस्ट्री का मिल जाएगा, उसमें सारे प्रैक्टिस सेट मौजूद है, इंपॉर्टेंट चैप्टर मौजूद है, आप वहां से देख करके और नोट्स बना सकते हैं, एग्जाम पास आ रहा है। 16 के पहले 15 प्रैक्टिस सेट इसके आ चुके हैं, लगभग 27-28 प्रैक्टिस सेट पॉलिटी के हैं और जनरल साइंस के हमने 40 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट दिए। अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, आपको कहीं से भी कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके राइटर थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने गोवा की आजादी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव एंड आसिफ अली। ठीक है, तो ये इसके राइटर कौन है? इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, द फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये किसने लिखा है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, सर अरविंदो घोष, भगवान दास, इनमें से कौन से राइट आंसर होंगे बताइए? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये हो सकता है बहुत कम लोग जानते हों, तो इसके किसकी रचना है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, बहुत लोगों में गड़बड़ हो रहा है, ये अरविंद घोष का है। ठीक है, अरविंद घोष का फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। अगला है द ऑथर ऑफ नोवेल चंद्रकांता, चंद्रकांता जो सीरियल भी आता था, ये किस पे बेस्ड है? चार ऑप्शन है आपके पास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवकी नंदन खत्री। कौन है इसके राइट आंसर? देवकी नंदन खत्री। द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर, ये किसके द्वारा लिखा गया? राजनीति रत्नाकर, ये किसने लिखा? ये थोड़ा मैं टाइम ज्यादा दूंगा इस पर, देखते हैं किसका किसका सही होता है। राजनीति रत्नाकर, ये चंदेश्वरा की रचना है, चंदेश्वर जो थे इनकी ये रचना है चंदेश्वर, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये विद्यापति भी बिहार के ही राइटर हैं, कीर्ति लतायन, कीर्ति पताका इनकी रचना है, उस परीक्षा ये विद्यापति की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कीर्ति लतायन, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ठीक है, और पुष्प परीक्षा भी। चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसने लिखा था बताइए हमें? और 12 नंबर क्वेश्चन भी बताइए, और 13 नंबर, वैंगार्ड इज रिटन बाय, वैंगार्ड किसने लिखा था? वैंगार्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है वैंगार्ड? एम एन रॉय के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसने लिखा है? मैंने अभी पूछा था आपसे, महात्मा गांधी, इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नेंस थी या ब्रिटिश सरकार थी उसको एक तरीके से प्रोस्टिट्यूट कहा है हिंद स्वराज में। इन्होंने नवजीवन अखबार का भी शुभारंभ किया। ठीक है, इंडियन ओपिनियन भी इन्होंने पत्रिका छापा था, इंडियन ओपिनियन, किसने? गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म का भी स्थापना किया था, फिनिक्स फार्म का, फिनिक्स फार्म, और टॉलस्टॉय फार्म, टॉलस्टॉय फार्म, ये दो फार्म दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए गए।
मदर इंडिया वाज रिटन बाय, मदर इंडिया मूवी भी आपने देखा होगा, मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, चार लोगों के नाम यहाँ पे है, कैथरीन मेयो, तो वो चार लोगों में जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कैथरीन मेयो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सो काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर पीडीएफ। टूवर्ड्स स्ट्रगल, ये किसकी रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, लेकिन टूवर्ड्स स्ट्रगल ये किसकी रचना है। चलिए इसका राइट आंसर आपको अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये आपके कमेंट का आंसर है, ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करके इसको कमेंट कर सकते हो, लेकिन ये आंसर आपको जानना है। माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, माउंट बेटन और भारत का विभाजन किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, एम एन दास, लुई फिशर, नॉन ऑफ द अबव, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, हु इज द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, एक जो है वो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इन्होंने ये लिखा था। चलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हो सकता है आपने पढ़ी भी हो, किसने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसने लिखा है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपके ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, वी डी सावरकर, तो ये है वी डी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर ने लिखा है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, रिटन बाय, आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, ये किसने लिखा है, ये वीवीआई है और आपके एग्जाम में आ भी चुका है, इसका राइट आंसर क्या होगा, विपिन चंदा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, जाते जाते इसका जवाब दे पाइए आप लोग। उड़ान एंड गबन, ये दो रचना किसकी है, चार ऑप्शन है, आप लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए, ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, थैंक यू सो मच।